नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे CO2 गैस कार्ट्रिज वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, किसके कौन कौन से पार्ट को किस नाम से जाना जाता है और इसका फुल स्पेसिफिकेशन, जितने भी इसके अंदर छोटे से छोटा पॉइंट या फिर बड़े से बड़ा जो पॉइंट बनता है उन सभी को आज हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। CO2 गैस कार्ट्रिज वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जितने भी इसके अंदर जो पॉइंट बनते हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में इसके जो न्यू IS कोड है उनके बारे में भी बात करेंगे, ओल्ड जो IS कोड है उनके बारे में भी जानेंगे। तो इसके साथ साथ इनको नोट करते चले जाएं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है CO2 गैस कार्ट्रिज वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो। इसके अंदर की तरफ पानी भरा होता है जिसके माध्यम से हम आग को बुझाते हैं। अब सबसे पहले इसके जितने भी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए ऊपर का जो ये पार्ट है इसको हम जानते हैं स्ट्राइकिंग नोब के नाम से, स्ट्राइकिंग नोब के नाम से इसको जाना जाता है। उसके पश्चात ऊपर से नीचे की तरफ की रोड जाती है जिस रोड को हम जानते हैं प्लंजर रोड के नाम से, यह होती है प्लंजर रोड। उसके पश्चात एक क्लिप लगी होती है जिस क्लिप को हम सेफ्टी क्लिप के नाम से जानते हैं, तो इसी में जगह के ऊपर लिख देते हैं हम सेफ्टी क्लिप, सेफ्टी क्लिप। उसके पश्चात अंदर की तरफ एक स्प्रिंग लगी होती है, जब भी हम स्ट्राइकिंग नोब को चोट मारते हैं तो उस दौरान जो पंचिंग पिन है वो नीचे की तरफ जाती है और उस स्प्रिंग के कारण जो ही चोट मारने के पश्चात उस गैस कार्ट्रिज को पंचर करते हैं तुरंत फिर उस स्प्रिंग के द्वारा ऊपर की तरफ वो आ जाती है। तो अंदर की तरफ लगी होती है इसमें एक स्प्रिंग, फिर ये होती है कैप असेंबली, जो टोपी होती है एक्सटिंग्विशर की उसको बोला जाता है कैप असेंबली के नाम से। ये होती है कैप असेंबली। कैप असेंबली के अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे तीन, जिसको हमें वेंट होल के नाम से जानते हैं, वेंट होल के नाम से जानते हैं। अंदर का जो पार्ट होता है इसको हम जानते हैं पोर्ट होल के नाम से। पोर्ट होल के नाम से फिर उसके बाद में जो गैस कार्ट्रिज को पंचर करती है इसको बोलते हैं पंचरिंग पिन, पंचरिंग पिन। और ये होता है CO2 गैस कार्ट्रिज जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। इसके पश्चात ये पकड़ने का हैंडल होता है जिसको हमें कैरिंग हैंडल के नाम से जानते हैं। ये टांगने के जो हुक होते हैं इनको हैंगिंग हुक के नाम से जाना जाता है। फिर कंप्लीट जो बॉडी है यहां से यहां तक की जो बॉडी है इसको जाना जाता है मेन बॉडी के नाम से, मेन बॉडी के नाम से।
नीचे का जो पार्ट होता है इसको जाना जाता है बॉटम, बॉटम के नाम से। ये अंदर की तरफ जो ट्यूब होती है इस ट्यूब को बोलते हैं हमें साइफन ट्यूब, साइफन ट्यूब। साइफन ट्यूब जो होती है इसका नीचे का जो पार्ट है इसको बोला जाता है स्ट्रेनर, स्ट्रेनर जो कि पानी को छानकर ऊपर की तरफ भेजने का काम करता है। ये होती है डिस्चार्ज नोजल, डिस्चार्ज नोजल, जो पानी जो होता है इसे डिस्चार्ज नोजल के माध्यम से बाहर की तरफ निकलता है और आग के ऊपर डलकर आग को बुझाने का काम करता है। ठीक है, इस जगह के ऊपर होता है एल लिखा हुआ जो कि वाटर लेवल को शो करता है। वाटर लेवल को जो शो करता है और इसके अंदर भरा होता है पानी 9 लीटर। ये होते हैं इसके जितने भी जो पार्ट्स होते हैं वो, ऊपर का जो पार्ट है इसको स्ट्राइकिंग नोब, फिर उसके पश्चात सेफ्टी क्लिप है। जो ही सेफ्टी क्लिप को निकालेंगे स्ट्राइकिंग नोब के ऊपर चोट मारेंगे तो यहां से जो पंचरिंग पिन है वो इस गैस कार्ट्रिज को पंचर करेंगे। इस गैस कार्ट्रिज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है और जो ही इसको पंचर करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो तेजी से इस एक्सटिंग्यूशर के अंदर की तरफ आएगी और जो पानी भरा होता है उसको प्रेशर से बाहर की तरफ भेजने का काम करती है। तो यह होता है CO2 गैस कार्ट्रिज और इसको पंचर करने वाली जो पिन होती है उसको बोला जाता है पंचरिंग पिन। ऊपर से नीचे की तरफ जो रोड आती है इसको जाना जाता है प्लंजर रोड के नाम से। यह कैप असेंबली होती है, इसके अंदर छेद होते हैं जिसको जाना जाता है वेंट होल के नाम से। अंदर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पोर्ट होल के नाम से। यह पकड़ने का हैंडल है जिसको कैरिंग हैंडल बोला जाता है। यह टांगने के हुक जहां पे हमें दीवार में टांगते हैं इसको, तो इसको बोला जाता है हैंगिंग हुक। कंप्लीट बॉडी, मेन बॉडी, नीचे का पार्ट बॉटम कहलाता है। इसके अंदर 9 लीटर पानी भरा होता है। यहां पे ये जो है वो लिक्विड लेवल या बोल सकते वाटर लेवल। ठीक है, ये अंदर की तरफ साइफन ट्यूब होती है जिसके माध्यम से पानी अंदर से उठा करके बाहर की तरफ ले जाया जाता है। ये नीचे स्ट्रेनर लगा होता है जो पानी को छानकर भेजता है और ये होती है डिस्चार्ज नोजल। तो ये तो है इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो। अब इसके फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में हमें बात करते हैं। सबसे पहले जो आती है अपने पास में कैपेसिटी, इस एक्सट्रीब्यूशन की जो कैपेसिटी है वो होगी 9 लीटर। 9 लीटर, 9 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका आईएस कोड, आईएस कोड। इसका जो आईएस कोड है वो होता है 940। 940 जो आईएस कोड है वो है ओल्ड। अगर हम बात करें न्यू के बारे में तो न्यू आईएस कोड होता है 15683। जितने भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका एनएफपीए आईएस कोड कितना होता है 15683। अगर हम बात करें इसका एनएफपीए कोड के बारे में, जितने भी पोर्टेबल जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर एनएफपीए, तो जितने भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका एनएफपीए कोड कितना होता है 10। फिर उसके साथ में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कितनी क्षमता तक के फायर एक्सटिंग्विशर को बोला जाता है। देखिए, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जिस एक्सटिंग्विशर के अंदर 17 किलो वेट से कम वजन है तो उस एक्सटिंग्विशर को हमें पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटी हुई 9 लीटर। आईएस कोड जो है पुराना इसका 940 है, नया 15683। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का एनएफपीए कोड कितना होता है 10। उसके बाद में हम बात करें इसकी जेट रेंज के बारे में। जेट रेंज, इसकी जो जेट रेंज होती है वो अपने पास में होती है 2 से 5 मीटर। 2 से 5 मीटर तक इसकी जेट रेंज होती है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसकी डिस्चार्ज टाइम, डिस्चार्ज जो टाइम है यानी कितने समय के अंदर ये खाली हो जाता है, तो लगभग 60 से 90 सेकंड के अंदर ये खाली हो जाता है।
अगर हम बात करें मिनिमम डिस्चार्ज क्वांटिटी के बारे में, मिनिमम डिस्चार्ज क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वो होती है 95%, यानी 95% जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, 5% इस एक्सट्रीक्यूसर में शेष रहेगा। उसके बाद पश्चात आता है इसका हाइड्रोलिक टेस्ट, हाइड्रोलिक टेस्ट, हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है 30 केजी सेंटीमीटर सुकेयर के ऊपर। हाइड्रोलिक टेस्ट के पश्चात आता है अपने पास में ब्रश टेस्ट, ब्रश टेस्ट होता है इसका 35 केजी सेंटीमीटर सुकेयर के ऊपर। इसके पश्चात होगा एक्सट्रीक्यूसर का डाया, एक्सट्रीक्यूसर का डाया होता है 175 प्लस माइनस 5 mm। फिर आती है इसकी थिकनेस, कि इसकी जो चादर है उसकी मोटाई कितनी होगी। थिकनेस होती है इसकी 1.7 से और 1.8 mm तक। किस मेथड से आग को बुझाता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये कूलिंग मेथड के माध्यम से आग को बुझाने का काम करता है। कौन से? कूलिंग मेथड से आग को बुझाने का काम करता है। इसके अंदर CO2 जो गैस कार्ट्रिज है, CO2 गैस जो कार्ट्रिज है इसके अंदर लगा होता है 60 ग्राम का, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम बात करें एक्सट्रीक्यूसिंग जो मेथड है वो कूलिंग मेथड, CO2 गैस कार्ट्रिज लगा होता है इसके अंदर 60 ग्राम का, ठीक है। पानी जो भरा होगा इसके अंदर 9 लीटर है। इसी के साथ में अगर हम बात करें इसके अंदर जो वेंट होल है, जो कैप असेंबली के अंदर जो छेद होते हैं ताकि जब भी इसे कि नोजल ब्लॉक अगर हो जाती है तो उसे दौरान हम धीरे धीरे स्पिनर के माध्यम से इस कैप असेंबली को खोलेंगे, और जो ही कैप असेंबली को खोलेंगे तो एक्सट्रीक्यूसर की जो नेक है वो नीचे की तरफ आ जाती है, कैप असेंबली ऊपर की तरफ, और जो ही नेक नीचे की तरफ आएगी तो जो छिद्र होते हैं उसके माध्यम से जो CO2 गैस है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, और इस प्रकार से एक्सट्रीक्यूसर ब्लास्ट होने से बचता है। तो इनके डाया के अगर हम बात करें तो वो भी लिख लेते हैं। तो वेंट होल, वेंट होल जो डाया है वो कितना होता है, तो वेंट होल डाया होता है 2.5 mm। उसके बाद में पोर्ट होल डाया, पोर्ट होल का जो डाया होता है वो 5 mm, इतना 5 mm। एक्सट्रीक्यूसर की अगर हम हाइट के बारे में बात करें, एक्सट्रीक्यूसर की हाइट जो होती है वो 530 mm से और 575 mm तक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में अगर इसकी बात करें रिफिलिंग के बारे में, रिफिलिंग जो टाइम है वो होता है इसका 5 ईयर, कितना 5 ईयर रिफिलिंग इसका टाइम होता है। इसी के साथ में अगर हम देखें एम्पिटी वेट, जो एक्सट्रीक्यूसर है उसका एमपीटी वेट खाली जब होता है उसमें कितना वजन होता, एमपीटी जो वेट होता है इसके अंदर 5.5 kg, लगभग 5.5 kg इसके अंदर वजन होता है। फिर अगर हम बात करें फुल वेट, एक्सट्रीक्यूसर के अंदर जो टोटल वेट है वो कितना होता है, वो होता है लगभग 15 kg, क्योंकि 5.5 kg इसके अंदर खाली के अंदर वजन होता है और 9 लीटर जो है उसके अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है, और 60 ग्राम का इसके अंदर CO2 गैस कार्ट्रिज लगा होता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम बात करें जो डिस्चार्ज नोजल है उसका डाया के बारे में बात देखें, डिस्चार्ज नोजल डाया एंगल कितने डिग्री के कोण के ऊपर जो डिस्चार्ज नोजल है वो लगा होता है, तो 45 डिग्री एंगल के ऊपर इसका जो डिस्चार्ज नोजल है वो लगा होता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम देखें CO2 गैस कार्ट्रिज IS कोड, CO2 गैस कार्ट्रिज IS कोड, तो CO2 जो गैस कार्ट्रिज होता है उसका IS कोड होता है 4947, तो ये भी लिख लेंगे 4947 CO2
गैस कार्ट्रिज का आईएस कोड होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो स्टील के माध्यम से बनाई जाती है, और जिस चादर से एक्सट्रीग्यूसर की बॉडी बनाई जाती है उस चादर का आईएस कोड होता है 513। स्टील प्लेट का जो आईएस कोड होता है वो कितना होता है? 513, जिसके माध्यम से एक्सट्रीग्यूसर की जो बॉडी है वो बनाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें कि कितना वजन कम होते ही हमें इस गैस कार्ट्रिज को चेंज कर देना चाहिए, तो CO2 जो गैस कार्ट्रिज होता है उसका 10% वेट कम होते ही हमें तुरंत चेंज कर देना चाहिए। ठीक है ना, ये जो CO2 गैस कार्ट्रिज होता है इसको 10% वजन जो है वो कम हुआ और तुरंत हम उसको चेंज कर देते हैं। गैस कार्ट्रिज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गैस जो कार्ट्रिज है उसको किस नाम से जाना जाता है? हिंदी में बात करें तो गैस कारतूस, गैस कारतूस के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एक्सट्रीग्यूसर का हृदय किसे जाना जाता है, हृदय के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो भी क्या होता है? गैस कार्ट्रिज। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम देखें और कोई पॉइंट जो छूटा हुआ है, वाटर टाइट जो फायर एक्सट्रीग्यूसर होता है उसको यूज हमें कौन से क्लास की आग के ऊपर लेते हैं? तो वो होती है ए क्लास जो फायर होती है उस आग के ऊपर वाटर टाइप फायर एक्सट्रीग्यूसर का यूज लिया जाता है। ए क्लास जो फायर है वो कौन सी होती है? सोलिड फायर, यानी कि लकड़ी की, कागज, कोयला, रबड़, प्लास्टिक, घास फूस, कपास, कपड़े आदि आदि की जो आग होती है उसको हम किसके नाम से? सॉलिड फायर के नाम से जानते हैं। लकड़ी, कागज, कोयला, रबड़, प्लास्टिक, घास फूस, कपास या कपड़े, इनके अंदर जब भी आग लगती है तो वो ए क्लास फायर कहलाती है। जो वाटर टाइप जो फायर एक्सट्रीग्यूसर है उसकी अगर हम बात करें कितने जमीन से कितने ऊंचाई के ऊपर हमें इसको लगाना चाहिए, तो वो भी लिख लेंगे 3.5 फीट। 3.5 फीट जो है हमें इंस्टॉल करना चाहिए जमीन से इस एक्सट्रीग्यूसर को। इसी के साथ हम लिखते हैं यहां पे एक्सट्रीग्यूसर टेस्टिंग मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन का जो आईएस कोड होता है वो कितना होगा? 2190। ठीक है, एक्सट्रीग्यूसर टेस्टिंग मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन उसका जो आईएस कोड कितना होता है? वो होता है 2190। ठीक है, तो ये हमने आज सीखा CO2 गैस कार्ट्रिज वाटर टाइप फायर एक्सट्रीग्यूसर। अगर हम बात करें कि छोटा सा पॉइंट और छूटा हुआ इसमें, जैसे हमें कितने टेम्परेचर के ऊपर इसको रख सकते हैं इंस्टॉलेशन कर, तो यहां पे 5 डिग्री टेम्परेचर से और 55 डिग्री टेम्परेचर तक हम इसको इंस्टॉलेशन कर सकते, रख सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर है वो, ये जितने भी जो पॉइंट हमने किए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने किए, आशा है कि अच्छे से आपको समझ में भी आए हो। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का पॉइंट छूटा हुआ है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट क्लास जब आए तो उसमें उस पॉइंट को पहले ध्यान में रखा जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।